बहुत सुंदर आप थोड़ा अलग भी था और मेरे पास मैं अभी एक कविता सुना रही हूँ और कमल आप तैयार है ना। हमने बहुत सी बातें की माँ की, बहुत सी तुलनाएं की, बहुत उसके लिए कहा। देखिए अभी ये कुछ और माँ के बारे में कुछ तुलना है माँ की। माँ सागर से तेरी उपमा देने के लिए कहता है मेरा मन, माँ सागर से तेरी उपमा देने के लिए कहता है मेरा मन, परंतु उसी क्षण कुछ ध्यान आता है और वही मन हिचक जाता है, क्योंकि सागर की गहराई जो तुझ में है और है वही धीरता, गहन गंभीरता, परंतु ये भी उतना ही सही है कि सागर के खारेपन का जरा सा भी अंश तुझ में नहीं। माँ तेरे दूध की मिठास सागर का सारा खारापन धो जाती है, और इसीलिए सागर की उपमा तेरे सामने बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। माँ पर्वत से तेरी उपमा देने के लिए कहता है मेरा मन, परंतु उसी क्षण कुछ ध्यान आता है और वही मन हिचक जाता है, क्योंकि पर्वत राज की ऊंचाई तो तुझ में है और वही अचलता जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता, परंतु ये भी उतना ही सही है कि पर्वत की कठोरता का जरा भी अंश तुझ में नहीं। माँ तेरे मन की विदुलता में पर्वत की कठोरता खो जाती है, और इसलिए पर्वत की उपमा तेरे सामने बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। माँ गगन से तेरी उपमा देने के लिए कहता है मेरा मन, परंतु उसी क्षण कुछ ध्यान आता है और वही मन हिचक जाता है, क्योंकि गगन का विस्तार तो तुझ में है और है वही विशालता, निश्चल निर्मलता, परंतु ये भी उतना ही सही है कि गगन की अंतहीन दूरी का जरा सा भी अंश तुझ में नहीं। तेरी गोद की समीपता में गगन की अंतहीन दूरी खो जाती है, और इसलिए गगन की उपमा तेरे सामने बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। माँ सूरज से तेरी उपमा देने को कहता है मेरा मन, परंतु उसी क्षण कुछ ध्यान आता है और वही मन हिचक जाता है, क्योंकि सूरज की ऊर्जा तो तुझ में है और है जन जन को जीवन देने की क्षमता, मन को छूने वाली ममता, परंतु ये भी उतना ही सही है कि सूरज की झुलझाने वाली तेज तपन का जरा सा भी अंश तुझ में नहीं। माँ तेरे आंचल की शीतलता में सूरज की सारी तपन हो जाती है, और इसीलिए सूरज की उपमा तेरे सामने बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। माँ तू अपने में ही असीम है, अगाध है, अनुपम है, और तेरी कोई तुलना नहीं हो सकती।